महेश लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई एयर कस्टम ने दुबई की यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है और 1,49,00,000 रुपए कीमत के डायमंड जब्त किए हैं। आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कस्टम अधिकारियों ने बताया है कि जब्त किए गए हीरे एक चाय के पैकेट के अंदर बड़ी चालाकी से छुपाए गए थे। तस्कर ने डायमंड को एक चाय के पैकेट के अंदर बड़ी चालाकी से ही छुपाया था और इसके बावजूद मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की मुस्तैदी ने इसे पकड़ लिया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब चाय पत्ती की पैकेट खोला तो हैरान रह गए। पैकेट में छोटे छोटे पैकेट में डायमंड रखे थे। चाय की पत्ती के पैकेट में एक एक करके कई पैकेट निकले। इसमें डायमंड देखकर कस्टम के अधिकारी हैरान हुए। जांच के बाद पता चला कि डायमंड जो बरामद किया गया है उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।